खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष पहले से ही हार की भूमिका तैयार कर रहा है। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। विपक्ष पहले से हार की भूमिका तैयार कर रहा है, इसलिए चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है पूरी तरह से निष्पक्ष है। चुनाव शुरू होने के पहले ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाना इसी मानसिकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा चुनाव 5 साल में होते हैं, इसलिए इसको टालना कोई जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश मजबूत सरकार चाहता है जो अभी प्रदेश में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, खिचड़ी सरकार को नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये कि मोदी जी प्रधानमंत्री हो ये प्रदेश चाहता है, ये देश भी चाहता है। इस चुनाव के मुद्दे क्या हो? नंबर एक, नेतृत्व देश का कौन करेगा? लोग खिचड़ी सरकार नहीं चाहते, कहीं करोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसी सरकारों का हश्र पहले भी जनता चाहे देवेगौड़ा जी हो, गुजराल जी हो या बाकी सरकारें हो देख चुकी है।